हेलो, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं बहुत दिन से सोच रहा था एक वीडियो बनाने का, जो कि बैंक निफ्टी में एकदम ज़बरदस्त। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग एज ए बिगिनर भी कर रहे हो, थोड़ी फार आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में मालूम भी है, तो ये हो जाएगा आपका। और थोड़ा आपको मार्केट में टिके रहना है तो हार्डवर्क तो बहुत करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऑप्शंस ट्रेडिंग है, ये इतनी भी खतरनाक होती है जो कि आपका कैपिटल पल में ज़ीरो कर सकती है। अगर मार्केट को अगर आप समझ रहे हो, तो ये अपॉर्चुनिटी मार्केट आपको कभी भी दे सकता है। अभी चलो देखते हैं, मेरे ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि मार्केट के हिसाब से चलो। अभी देखिए कैंडल्स क्या क्या कहती है। अगर कैंडल्स क्या कहती है आप अगर सीख गए, तो मार्केट में एकदम ज़बरदस्त प्रॉफिट्स आपको मिल जाएगा। मार्केट में सपोर्ट भी इम्पॉर्टेंट रहता है, रेजिस्टेंस भी इम्पॉर्टेंट रहता है, और कैंडल के जो पैटर्न बन रहे हैं वो भी एकदम इम्पॉर्टेंट रहते हैं। अगर आप इसके बारे में अगर सीख गए, मार्केट के पैटर्न और कैंडलस्टिक्स के बारे में, तो आपको प्रॉफिट लेने से कोई नहीं रोक सकता। मार्केट का ट्रेंड और मार्केट कैसे चल रहा है वो भी अगर आप ज़बरदस्त तरीके से सीख गए, तो आपको एकदम ज़बरदस्त ऑप्शंस ट्रेडिंग में सक्सेस मिल सकती है। चलिए शुरू करते हैं अपना। अभी ये देखो, ये रेजिस्टेंस आया 44,399 का हाई, एक रेजिस्टेंस था। अभी ये कैंडल देखो, ये एक बुलिश कैंडल है, लेकिन शैडो के हिसाब से यहाँ पे एक रिजेक्शन आया हुआ है, और नेक्स्ट कैंडल जो है एक बेरिश कैंडल बनी है, और उसकी शैडो अगर ऊपर से देखिए तो एक सॉलिड हाई मार के यहाँ पे नीचे क्लोज हो गई। इसका हाई था 44,422 और इसका क्लोजिंग है 44,365। ये दो कैंडल से हमें ये पता चलता है, एक रेजिस्टेंस पे एकदम ज़बरदस्त रिजेक्शन आया हुआ है, और यहाँ से मार्केट नीचे गिरने की ज़बरदस्त संभावना है। और ये देखिए, बाद में तीन कैंडल क्लोजिंग के टाइम में एकदम ज़बरदस्त तीन कैंडल है। यहाँ से अगर आप पुट का ऑप्शन खरीदे होते और नेक्स्ट डे के लिए होल्ड किए होते, तो देखो आपका प्रॉफिट कितना होता सोच सकता था। अभी ये देखो, नेक्स्ट डे फुल्ली गैप डाउन हो गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ न्यूज़ वगैरह मिडनाइट में आई थी, सो ये गैप डाउन हुआ। ये मूव हम भाप सकते थे, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन आया क्लोजिंग के टाइम ही, तीन कैंडल एकदम ज़बरदस्त परफॉर्म किए। ओके, अभी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देखते हैं। अपॉर्चुनिटी तो बहुत रही थी मार्केट में। ये देखिए, अभी मार्केट ने एक यहाँ से ज़बरदस्त गैप अप दिया था, और ये कैंडल से देखो, हमें फर्स्ट वाली जो कैंडल है सेम वही से रिजेक्शन आने वाला है 44,399। अगर ये सेकंड कैंडल के भी अपन ट्रेड लेते थे, ये यहाँ पे 44,344 पे ट्रेड लिया होता, अगर SL हमने ये यहाँ पे 44,399 पे रखा होता, तो एक मार्केट ने एक ज़बरदस्त आपको एक अपॉर्चुनिटी दी थी, क्योंकि एक घंटे में ज़बरदस्त आपने को एक प्रॉफिट मिल जाता था। अगर आप स्कैल्पर हो, स्कैल्पिंग में भी एकदम 5-10 मिनट में एक प्रॉफिट ज़बरदस्त हुआ होता था। मार्केट बहुत अपॉर्चुनिटी देता है फ्रेंड्स। अभी देखते हैं, दूसरा एक सेटअप बनाता हूँ मैं आपको एक ज़बरदस्त। अभी ये देखो, ये है
ग्यारह बजे अगर क्या हुआ था, एक मार्केट ने बॉटम बनाया था जो कि ये बॉटम है 43,716 का, ये जो बॉटम है अगर आप इस पे ध्यान से देखोगे तो एक ये एक कैंडल है और ये एक कैंडल है, ये दो कैंडल से ये बॉटम बना है। अगर हम यहाँ पे भी अगर एक एंट्री ले लिए होते, क्योंकि ये इन्वर्टेड हैमर है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर का मतलब ये होता है कि ट्रेंड अभी थोड़ा जो डाउन था एक अप जाने की संभावना है। और देखिए यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री ली होती 43,730, उसके थोड़े नीचे भी ली होती तो एसएल आपका यहाँ पे रखता था, कहाँ पे 43,682, या फिर ये यहाँ पे एक छोटा सा एसएल 43,704, यहाँ से अगर एसएल लगा देते थे और टारगेट एक तुम देखो कितना बड़ा मिला, 43,897 का ज़बरदस्त टारगेट आपको मिला है। और एक सेटअप मेरा जो कि फेवरेट सेटअप है, ये देखो मार्केट ने कभी भी ओपनिंग होते ही बेयरिश कैंडल देती है और थोड़ा आधा घंटा एक घंटा एक थोड़े थोड़े ग्रीन रेड कैंडल बनते हैं। तो यहाँ पे देखो एक ज़बरदस्त ये शैडो पे रिजेक्शन आया हुआ है और नेक्स्ट कैंडल पे एक हैमर टाइप बना है, लेकिन ये वो प्रॉपर हैमर नहीं, और एक यहाँ पे बेयरिश हैमर बना है। अगर यहाँ पे अपन ट्रेड लेते हैं तो एक रिजेक्शन की ज़बरदस्त कैंडल बनी हुई है। ये कैंडल के बारे में बहुत ज़बरदस्त ट्रेडिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स आप जो कि बिगिनर है। कैंडल अगर आप समझ सकते हो तो एकदम ज़बरदस्त आपकी ट्रेडिंग हो जाएगी। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मेरी ऑप्शंस ट्रेडिंग की ज़बरदस्त वीडियो आने वाली है, उसे भी ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच।